हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपका। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिसेंट टाइम में पीएचडी के बारे में, जिसमें स्पेशल पार्ट टाइम पीएचडी का था और फेलोशिप्स के बारे में बहुत क्वेश्चन थे, पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने स्पेशली इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मनीष कुमार। प्रोफेसर मनीष कुमार ने पीएचडी करी है आईआईटी रुड़की से, उसके बाद सर ने पोस्ट डॉक करी है एम्स लैब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वर्तमान में सर प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जिसे कहते हैं स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो मैं सर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सी चीजें, जैसे पीएचडी क्या है, क्यों है, पार्ट टाइम पीएचडी किसको करनी चाहिए, कैसे करी जाती है, पीएचडी कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं, और वो डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, हर फील्ड में हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आई वेलकम यू सर ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मोनू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो ये है आपसे कि हु शुड डू अ पीएचडी, एक पीएचडी किसको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें पीएचडी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या इस पे अपना ओपिनियन रखते हैं सर? बिल्कुल, देखो आज का अगर इन्वायरमेंट देखते हैं हम, कंपटीशन लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि हर एक को लगता है कि उन्हें पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं है। जब तक हम डीप इंटरेस्ट नहीं रखते पीएचडी में, तो पीएचडी करने का सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब पीएचडी किनको करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आती है। पीएचडी किस विषय में करनी चाहिए, डेफिनेट है कि जिस विषय में आपने एमएससी की है तो उस वो विषय निर्धारित करता है कि आप किस किस विषय में एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। अब जो पीएचडी में आप विषय तय करते हैं वो आपके इंटरेस्ट पे होना चाहिए। अगर आपके इंटरेस्ट पे नहीं है तो पीएचडी आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ लगेगी, और ऐसा भी बीच में मन में आएगा कि हमने पता नहीं किस जगह में हाथ डाल लिया और ये तो हमारा काम है ही नहीं था, हमें इसको करना ही नहीं चाहिए था। तो बिना इंटरेस्ट के जो पीएचडी हम शुरू करते हैं तो वो ऐसे ही या तो बीच में ही ख़त्म हो जाती है, या फिर मान लो कि वो कोई स्टूडेंट जो है इसको पूरा कर भी लेता है तो उसको वो मज़ा नहीं आता, कि उसे ये नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव कर ली जो मैं वाकई में अपने उस क्रूशियल टाइम में अचीव कर सकता था जो हम यौवन अवस्था में करते हैं। इसलिए पीएचडी सोचना करना तभी पॉसिबल होगा जब हम एक डिटरमाइन होंगे कि हमें जो है विषय की एक डीप नॉलेज लेनी है। ये नहीं सिर्फ, क्योंकि पीएचडी और एमएससी में बहुत फर्क है। एमएससी अगर मैं कहूँ, एमएससी नथिंग बट गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन, मींस जो हमें चीज मालूम है उसको आधार मान के हम जो है अननोन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी इज नथिंग बट गोइंग फ्रॉम अननोन टू नोन। मीन्स इसमें क्या हुआ कि आप एक ऐसे विषय को चुनेंगे, एक ऐसे टॉपिक को फिक्स करेंगे जिस टॉपिक को कोई पूरे वर्ल्ड में जानता नहीं होगा, और उस अननोन टॉपिक को, उस अननोन विषय को आप जो है सबके लिए नोन बनाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज गोइंग फ्रॉम अननोन टू नोन। अब वो नोन कितना वो अलग है, कितना वो अननोन है, कितना वो यूनिक है, कितना उसमें नोवेल्टी है, ये डिपेंड करता है कि आप रिसर्च किस लेवल की कर रहे हैं। अब इसमें यही बात आ जाती है कि अगर आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक नहीं लिया तो जो पीएचडी का स्तर होगा वो काफ़ी निम्न स्तर का होगा, तो आप जो है उसमें ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब तक डीप इंटरेस्ट ना हो पीएचडी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि लोगों के बीच में बहुत से डाउट होते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी के बीच क्या डिफरेंस है, और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या ऑफिशियली भी कोई डिफरेंस है, वैल्यू में कोई डिफरेंस है, या फिर और भी कुछ तरह के चीज़, मतलब फर्क है जो एक नॉर्मल पीएचडी और एक पार्ट टाइम में करे जाते हैं, आप थोड़ा इस पे प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पीएचडी में दो स्टेटस होते हैं कैंडिडेट के, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। जब भी आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी आईआईटी से, या किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से अगर आप पीएचडी करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेट है कि आपको एंट्री जो है फुल टाइम की तरह से ही मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको 6 महीने में, 1 महीने, 1 साल में आपको पीएचडी मिल जाएगी, उसके लिए आपको 3 से 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर रिसर्च कंटेंट। तो इसलिए जो पीएचडी है स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो फुल टाइम आप आएंगे, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा हो सकता है कि एक दो साल बाद आपकी जो है कहीं पर किसी भी स्तर की जॉब लग जाए। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेटस को फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कुछ मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड भी हो सकता है कहीं पर, या जैसे कि कोर्स वर्क, मान लो आपने स्टार्टिंग में हमें पीएचडी कोर्स वर्क करना होता है तो वो फिनिश कर लिया उसके तुरंत बाद भी हो सकता है। तो ये सब दिशा निर्देश जो है एक यूनिवर्सिटी ही तय करती है। तो अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप अपने फुल टाइम स्टेटस को पार्ट टाइम स्टेटस में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब आप कोई जॉब के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आप आएं और आप कहेंगे जी हम तो जो है पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए फुल टाइम पीएचडी में आप एनरोल करें और एक जो आधार है वो अपना सेट कर लें। फिर उसके बाद सपोज आपकी जॉब भी लगती है तो आप उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद अपना स्टेटस फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा पाएंगे, और पार्ट टाइम पीएचडी करते करते ही आप अपने उसी तरह का रिसर्च कर पाएंगे जो आप एक फुल टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए एक आधार बनाना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपका स्टेटस फुल टाइम है तो उसमें अपना एक आधार बनाना निश्चित कर लें। सर इसमें ये भी एक क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में है जिन्होंने पीएचडी में एनरोल ही नहीं करा, मान लीजिए किसी की जॉब लग गई थी एमएससी के बाद ही या एमए के बाद ही, क्या वो भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि फुल टाइम पीएचडी के थ्रू ही आपकी एंट्री होगी, बट जैसे कि अगर मान लो पहले से ही कोई जॉब में है तो उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट कुछ प्रोविजंस रखते हैं कि एक मिनिमम टाइम वो पूरा कर ले और मिनिमम टाइम पूरा करने के बाद वापस से वो अपनी जॉब में चले जाएं और अपना पीएचडी को पार्ट टाइम कर लें। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो कोर्स वर्क होता है तो वो तो आपको फुल टाइम स्टेटस के साथ ही करना होगा। ऐसे नहीं कि आप वो भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं कि आपको एक भी दिन ना आना पड़े और आपको पीएचडी जो है पार्ट टाइम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, इसमें सरकारी और प्राइवेट जॉब का कुछ डिफरेंस रहता है कि सिर्फ सरकारी वाले कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब वाले कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये भी उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं। वो भी कुछ इस तरह से अगर इंस्ट्रक्शन लेके आती है सामने कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो जॉब है उसके लिए नहीं कर सकते आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं वो जो है पार्ट टाइम में कन्वर्ट नहीं करा सकते अपनी पीएचडी को। तो कुल मिला के ये सर का कहना है कि जो रूल है पार्ट टाइम पीएचडी के, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी पॉलिसीज पे। तो जहां भी आप पीएचडी करना चाहते हैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में उसको कन्वर्ट करवा के, तो एक बार यूनिवर्सिटी के रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। सर अगला क्वेश्चन इसी से मेरा ये है कि क्या पार्ट टाइम पीएचडी वालों को भी फेलोशिप मिलती है? क्योंकि फुल टाइम वालों को तो ऑलमोस्ट कई जगह मिल जाती है, क्या पार्ट टाइम के लिए भी ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं? जैसे कि मैंने बताया कि फुल टाइम और पार्ट टाइम में डिफरेंस तो सभी को मालूम पड़ ही गया है कि जो पार्ट टाइम वही स्टूडेंट कर सकता है जो किसी जॉब पे जा रहा हो, क्योंकि उसका स्टेटस तभी पार्ट टाइम में चेंज होगा कि जब उसको कुछ अर्निंग हो रही हो। जब उसको अर्निंग अपनी जॉब से हो रही है तो उसको फेलोशिप देने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो पार्ट टाइम में कोई गवर्नमेंट जो है कोई अलग से कोई फेलोशिप नहीं देती। तो ये अब काफी क्लियर होगा कि पार्ट टाइम कैसे करनी है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सर अब जो फुल टाइम करना चाहते हैं, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी पीएचडी फेलोशिप की और उसमें मैंने मेजरली साइंस वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस रखा था, तो काफी लोग जो आर्ट्स और कॉमर्स के थे या ह्यूमैनिटीज के थे वो काफी नाराज हो गए थे। तो क्योंकि वो बोले कि हमारे बारे में भी कुछ बताइए। तो ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस हो, किन किन फेलोशिप्स के थ्रू हम पीएचडी कर लेते हैं? क्या वो गिनी चुनी दो ही नेट जेआरएफ वाली फेलोशिप्स हैं या उसके अलावा भी हमारे पास स्कोप्स रहते हैं? बिल्कुल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये डिपेंड करेगा कि हम किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्या हम आर्ट से हैं या हम कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न एजेंसियां जो हैं अलग अलग तरह की फेलोशिप देती हैं। तो पहले तो मैं कॉमन जो फेलोशिप है, चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, सब में जो लागू होती हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है, जब भी कहा जाता है कि हमारे टीचर भी हमें कहते हैं कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो लुक फॉर जेआरएफ, नॉट ओनली क्लियर नेट बट गो फॉर जेआरएफ। जो जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो अगर हम तीनों स्ट्रीम की बात करें तो यूजीसी एक ऐसी संस्था है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप देती है, जिसके लिए आपको एमएससी के दौरान या एमएससी के बाद भी आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपका जीआरएफ क्लियर होता है तो उस जीआरएफ के थ्रू आप फेलोशिप लेके आप पीएचडी में आ सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जीआरएफ ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक जीआरएफ जब हम जीआरएफ के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें दो तरह का ऑप्शन होता है कि नेट विद जीआरएफ, नेट विद लेक्चरशिप ओनली। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते तो जीआरएफ की तैयारी है लेकिन उनका जो है सिर्फ एलएस निकलता है, मीन्स लेक्चरशिप निकलता है। तो लेक्चरशिप जिनका नेट है विद लेक्चरशिप, तो वो भी पीएचडी में जा सकते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुछ जो हमारी स्टेट की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मीन स्टेट डीएसटीज़ है, तो वो भी इस तरह के बच्चे जिनका सिर्फ नेट क्लियर है, जीआरएफ नहीं है, उनको फेलोशिप दे देती हैं। तो एक ये भी माध्यम हो सकता है कि आप सिर्फ नेट के थ्रू भी आप अपनी पीएचडी में फेलोशिप को अर्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सपोज आपने मान लो आपका नेट भी नहीं है, जीआरएफ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पीएचडी में एनरोल नहीं कर सकते। एक और माध्यम होता है जिसके थ्रू हम पीएचडी में आ सकते हैं, वो है एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चे जो पीएचडी में आएंगे तो उनको जब पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी फेलोशिप्स होती हैं जिनका कुछ नाम इस तरह से हो सकता है, नॉन नेट फेलोशिप या यूआरएस, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कीम, तो उसके तहत उनको कुछ सहयोग राशि जो है फेलोशिप के माध्यम से दी जाती है ताकि वो अपनी पीएचडी को पूरा कर सके। तो इस तरह से ये तीन तरह की फेलोशिप है जो मैंने बताई, एक तो जीआरएफ हो गई, एक आपकी नॉन नेट हो गई, और तीसरी आपकी नेट के साथ होगी जो आपको किसी भी स्टेट की डीएसटी जो है फेलोशिप दे सकती है। अच्छा, तो सपोज आप पीएचडी में आ गए और आपको कोई जो है इस तरह की यूआरएस भी नहीं मिली, आपको जो है आपको कोई नॉन नेट फेलोशिप भी नहीं मिली, आप जीआरएफ भी नहीं है, तो आप 2 साल अपन पीएचडी पूरी करें, 2 साल तक आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू करें, और तीसरे साल जैसे ही आप तीसरे साल में एंटर करेंगे तो सीएसआईआर एक हमें जो है एक प्रोविजन देता है जिसमें आप डायरेक्ट एसआरएफ जा सकते हैं। तो आपको 2 साल के बाद सीधा आपका एसआरएफ लग सकता है और वो एसआरएफ की वैल्यू उतनी होगी जितनी एक जीआरएफ वाले कैंडिडेट को जो कि 2 साल के बाद एसआरएफ बनता है उसके इक्वल रहेगी। तो इसलिए तीन तरह की ये फेलोशिप है जो आप जिनके साथ जा सकते हैं, और जिसके साथ में चौथा एडिशनल ये जोड़ दिया जिसमें आप जो सीएसआईआर का एसआरएफ है, लेकिन ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम्स के लिए रहेगा। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हुए मैं अब डिसिप्लिन वाइज लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूँ, साइंस में भी 2 तरह की स्ट्रीम आएंगी, एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। तो पहले अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो जैसे कि एक तो बताया कि यूजीसी जीआरएफ है, लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो सीएसआईआर और यूजीसी दोनों इकट्ठे मिलकर इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करते हैं, और कुछ फेलोशिप जो है सीएसआईआर देता है, कुछ जो है यूजीसी देता है। तो ये इसकी चर्चा में हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो है आपके पास एक गेट की एक फेलोशिप है जो कि आपको आईआईटी या एनआईटी में जब आप प्रवेश लेते हैं पीएचडी में तब आपको मिलती है। तो गेट के लिए भी जो एग्ज़ाम है वो एक सेपरेट एग्ज़ाम है जिसको आप ने क्लियर करना होता है। इसके साथ ही एक और अलग तरह का एग्ज़ाम है जिसको हम जस्ट बोलते हैं, और जस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपको कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जिनके जिनसे आपको सेम वही फेलोशिप मिल सकती है जो आपको सीएसआईआर, यूजीसी, जीआरएफ से मिलती है। तो इन तीन के बाद अगर हम बात करें तो एक डीएसटी इंस्पायर एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिल सकती है। अब डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप मिलती किनको है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एक जो हमारे बोर्ड के टॉपर चल रहे हैं, जो हमारे प्लस टू में कुछ टॉप टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो है अपनी फेलोशिप को कंटिन्यू करते हैं प्लस टू के बाद बीएससी में, उनको डीएससी इंस्पायर फेलोशिप मिलती है, बीएससी के बाद उनको वही फेलोशिप एमएससी में मिल सकती है, और एमएससी के बाद वही फेलोशिप उनको कंटिन्यू हो सकती है पीएचडी में। जस्ट उनको डीएसटी में लेटर लिखना होता है कि मैं अब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस के विषय में मैं जो है पीएचडी करना चाह रहा हूँ और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इस पर्टिकुलर सुपरवाइजर के साथ करना चाहूँगा। आप 2 से 3 प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, तो उसके बेस पे आपका जो है रिकमेंडेशन हो जाता है, और रिकमेंडेशन होने के बाद जो है आपकी पीएचडी में डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके लिए कि सिर्फ आप प्लस टू के बोर्ड टॉपर हों या टॉपर्स की लिस्ट में हों तभी आप इस तरह की फेलोशिप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रोविजन और है जिसमें आप यूनिवर्सिटी टॉपर हैं एमएससी में, सॉरी,
जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस में, उसमें अगर आप टॉपर हैं तो उस टॉपर होने के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि जिस यू आर द फर्स्ट रैंक होल्डर. सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दी डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप. तो एक तो एमएससी टॉपर और एक प्लस टू के जो टॉपर्स हैं जो कंटिन्यू करते हैं अपनी डीएसटी इंस्पायर की फेलोशिप को, तो इसमें से आपको डीएसटी इंस्पायर के थ्रू आप फेलोशिप ले सकते हैं पीएचडी के दौरान. अब एक फेलोशिप और आती है जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट बनी हुई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप PMRF, जिसकी अमाउंट JRF से बहुत बढ़ के है, इनफैक्ट मैं कहूँगा दुगने से भी ज़्यादा है. और ये किनको मिलती है, इसके लिए दो तरह की एंट्री है, एक तो है डायरेक्ट एंट्री, एक है इनडायरेक्ट एंट्री. तो जो डायरेक्ट एंट्री है वो आप अपने जो आपके MSc में मार्क्स हैं, जो आपकी MSc में आपने पोजीशन स्कोर की है, उसके बेस पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और एक इनडायरेक्ट एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है PhD में एंट्री ले ली, चाहे वो आपने एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ली हो या किसी भी फेलोशिप के माध्यम से ली हो, तो इस फिर क्या होगा कि आप जो है अपना प्री PhD या कोर्स पास कर लेंगे, जिसमें आप जो है कुछ मिनिमम जो क्रेडिट्स है वो आपको लेने होंगे. फिर इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री. तो लेटरल एंट्री के थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं DST इंस्पायर सॉरी PMRF फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं. और फिर एक चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया के थ्रू जो है ये फेलोशिप आपको मिल जाती है. तो इस तरह से ये जो है फेलोशिप कुछ हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं. इस तरह से अगर जो नॉन मेडिकल के हैं, अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट की बात करूं तो कई फेलोशिप तो ऐसी हैं जो कॉमन है जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट को मिलती हैं, जैसे कि CSIR, UGC, JRF हो गया, DST इंस्पायर हो गया, PMRF हो गया, गेट से हो गया. इसके अलावा भी जो मेडिकल स्ट्रीम के लिए फेलोशिप्स हैं वो DBT से हो सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भी अलग तरह से हमें जो है JRF की फैसिलिटी देती है, जिससे हम अपनी PhD कर सकते हैं. और आयुष मंत्रालय भी एक अलग तरह की हमें JRF दे सकता है, जिससे हम अपनी PhD को पूरा कर सकते हैं. तो इन ये दो फेलोशिप इसमें ऐड हुई हैं जो कि नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम के बच्चे थे उनके लिए नहीं थी. बाकी हो सकता है कि ये मैंने जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उन फेलोशिप्स के बारे में मैंने आपको बताया है, हो सकता है कुछ और भी फेलोशिप्स हों जो आप विभिन्न वेबसाइट के जरिए जो है जान सकते हैं कि वो कौन सी है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं. अब हम आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पे. तो कॉमर्स स्ट्रीम में जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो कॉमन फेलोशिप्स हैं जो कि हमारे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम हर एक में लागू होती हैं, जैसे कि मैंने बात की थी UGC JRF की, नॉन नेट फेलोशिप की या यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कीम की, या फिर जो नेट के माध्यम से स्टेट DST जो देती है, तो ये सब तो है ही फेलोशिप. इसके अलावा अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो हमारा ICSSR है, तो वो भी हमें डॉक्टरल फेलोशिप जो है प्रदान करता है कॉमर्स स्ट्रीम में PhD करने के लिए. इसके अलावा जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये भी एक अलग तरह की JRF आपको दे सकता है PhD करने के लिए, चाहे आप कॉमर्स में करें चाहे आप मैनेजमेंट में करें. तो ये दो एडिशनल फेलोशिप हो गई जो कि कॉमन फेलोशिप से अलग हटके हैं, जिनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी PhD को कंटिन्यू करने के लिए. अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जो सबसे फेमस फेलोशिप है वो वही है जो मैंने कॉमर्स में बताया, ICSSR. तो ICSSR की जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो भी आपको JRF दे सकती है, अगर आप आर्ट्स के जो टोटल जो है 25 के आसपास जो है डिसिप्लिन है जिसमें आप ये फेलोशिप को ले सकते हैं. तो मेनली तो इसमें एडवाइस करूंगा जो हमारी कॉमन फेलोशिप्स हैं उनको सबसे पहले बच्चे को जो है टारगेट करना चाहिए. अगर वो किसी तरह से आपको नहीं मिल रही तो जो ये एडिशनल मैंने बताई हैं इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं और PhD में एंट्री ले सकते हैं. सर इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट की एक अपनी फेलोशिप होती है, जैसे IITs की अपनी हो गई या फिर IIM की अपनी हो गई, तो इसके लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है. बिल्कुल, IIT के जो अपनी इंस्टीट्यूट की फेलोशिप होती है वो गेट के माध्यम से मिलती है, तो गेट का हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं. इस तरह से IIM की भी अलग से अपनी इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है. जी सर. तो सर ये तो बहुत ज़्यादा आपने प्रकाश डाल दिया चीज़ों पर, इसमें से कई चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी. तो अब यही क्वेश्चन बच रहा है कि ठीक है सर हमने कर लिया,
तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन अस्पायरिंग स्टूडेंट्स को जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, क्या चीज बेसिकली माइंड में रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पीएचडी करना एक आसान काम नहीं है। आप अपनी जिंदगी के सर्वोत्तम जो दिन है वो आप अपनी पीएचडी को दे रहे हैं, तो इसमें से कुछ निकलना चाहिए, कुछ तो क्या, बहुत कुछ निकलना चाहिए। तो इसके लिए सोच के ही कदम उठाना चाहिए हमें। तो सबसे पहले पीएचडी जब हम शुरू करें तो कहाँ से कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप कहाँ से कर रहे हैं ये निर्धारित करेगा आप कहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं, या किस इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, किस इंडस्ट्री तक आप पहुंच सकते हैं। अब किस विषय पे आप कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो किसी साइंस विषय की बात करूँ, साइंस में चलो हम फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में भी आगे कुछ जो है सब टॉपिक हो सकते हैं, ऐसे हर एक विषय में सब टॉपिक हो सकते हैं। तो अब फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स की, तो अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स में है तो वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में जाए। तो हर एक विषय के अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं, तो उन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट जो डेवलप होता है हमारा, वो एमएससी या एमए करने या एम कॉम करने के दौरान पैदा हो जाता है। तो हमें जो है उस पर्टिकुलर विषय को ही अपनी पीएचडी में चुनना चाहिए, क्योंकि उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसलिए जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो है एडवांस लेवल तक अपने आप चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पीएचडी सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होती, सब्जेक्ट के एक टॉपिक और टॉपिक के सब्जेक्ट के अंदर सब एरिया, सब एरिया के अंदर टॉपिक, और उस टॉपिक में आप महारत हासिल करनी है, तभी जो है आप जो है अपनी पीएचडी के साथ जो है एक संसार को कुछ अलग से हटके एक ज्ञान दे पाएंगे। और अगर आप साइंस में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, तो उसको बढ़ा सकेंगे, या अगर मान लो आप आर्ट्स और कॉमर्स में कर रहे हैं तो अपने विषय में इस तरह से और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि पीएचडी का मतलब ही है एडवांसमेंट होना। तो एडवांसमेंट अगर हमारी सोसाइटी के लिए नहीं हो रही है, एडवांसमेंट अगर आप मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं हो रही है, तो उस पीएचडी का कोई ज्यादा अर्थ रह नहीं जाता। तो हमें पीएचडी अपने लिए नहीं करनी है, हमें पीएचडी सोसाइटी के लिए करनी है। तो ये देखना कि पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन आता है, किसके साथ कर रहे हैं। अब जब हमने कहा कि हमने विषय चुन लिया, विषय के बाद सब एरिया चुन लिया, सब एरिया में काम करने के लिए अलग अलग सुपरवाइजर अलग अलग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। सबसे पहले उन प्रोफाइल्स को देखें जो उस पर्टिकुलर सब एरिया में काम कर रहे हैं। अब उस सब एरिया में काम करने वाले जो जो भी सुपरवाइजर हैं, एलिजिबल सुपरवाइजर हैं, उन सुपरवाइजर्स का देखिए काम किस तरह से, क्या वो आपको अपील करता है। अगर आपको अपील करता है तो उनसे आप जुड़िए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पीएचडी छोड़ेंगे, दूसरी करेंगे, दूसरी बात दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी करेंगे, या एक पूरी कर लेंगे उसके बाद दूसरी में आपको मौका मिल जाएगा। क्योंकि लाइफ में एक थोड़ा सा तो टाइम है जब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जाएगा। तो फ्यूचर अगर राइट डायरेक्शन में जाए तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट करता हूं कि कहां से करें, किस विषय में करें, सब एरिया में करें और किसके साथ करें। तो इन तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पीएचडी में जरूर सफल होंगे और इस सोसाइटी को भी कुछ अलग से हटके देखे जाएंगे। तो धन्यवाद सर आपका, आपने इतना इंफॉर्मेटिव और मतलब क्या कहूँ, महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई। इनमें से कई चीजें मुझको भी नहीं मालूम थी, जो कई मेरी पुरानी वीडियोस में स्किप हो गई, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया इस चीज के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और सर से कनेक्ट करना चाहें तो सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी कुछ भला हो सके। एंड रिमेंबर द नेम मोनू मिश्रा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर।